हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष टेक्निकल। तो आज की मैं वीडियो में आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ बोया PY M1 का। तो आज की जो ये वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। और जैसे कि आप ये प्रोडक्ट देख रहे हो जो मेरे को अमेजोन से मिला है, पर मैंने इसको बॉक्स को भी खोल के देख लिया, पर तो अमेजोन ने मुझे जो इसकी पैकेजिंग है तो बिल्कुल फ्रेश दी है मुझे, बिल्कुल न्यू जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसका मैं आपको ये बताऊंगा। और कुछ कंप्लेन ऐसी आई है जैसे कि आपके फ़ोन में, स्मार्टफोन में आपको ये कनेक्ट नहीं हो पाता, पर आपको ये लगता है कि ये साउंड इसकी वही आ रही है, तो आप इसकी साउंड को समझ नहीं पाते कि ये ऐसी साउंड है। तो इसकी साउंड को मैं बताऊंगा ये कैसे लगेगा आपको। जो स्मार्टफोन है, जो स्मार्टफोन के लिए आपको एक कनेक्टर खरीदना पड़ेगा जो है 3.5 mm का, जो है 3.5 mm का, जो आप वो खरीदने के बाद तो आप अपने स्मार्टफोन में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस बोया M1 माइक की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, जो बहुत ही अच्छा माइक्रोफोन है 2000 की रेंज में। तो इसका आपको ये जो बार कोड दिख रहा है आपको, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये माइक असली है या नकली। जो आप इसको ऐसे से स्क्रैच करोगे तो इसका आपको कोड दिख जाएगा, जैसे कि मेरे को अभी यहाँ पे दिखा है मेरा कोड। तो मैंने इसको अभी सर्च करके देखूँगा, तो आपको मैं एक और वीडियो डालूँगा, तो उसमें आप देख सकते हो कि आप कैसे मतलब इसको पता लगा सकते हो कि आपका ये नकली है या असली है। ठीक है, तो लेट्स वी अनबॉक्स द आवर माइक, जो ये आपको लेदर फिनिशिंग मिलती है इस बोया के उसमें। और तो इसको मैं करता हूँ, जैसे कि आपको देखते ही आपको 20 फिट की ये मिल जाती है वायर। और ये आपका 3.5 mm का जैक है। जैसे आपको कुछ फ़ोन में, जैसे MI के फ़ोन है उनमें ये बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाता है, पर ये जो अदर स्मार्टफोन है जैसे सैमसंग हो गया, नोकिया जो अब आ रहे हैं, नए फ़ोन आ रहे हैं, तो उसमें ये फिट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो आपका जैक है वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो आप एक्स्ट्रा जैक लेके आप किसी भी शॉप से तो आप उसको मतलब कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जैसे आपको स्मार्टफोन से करना है तो आपको यहाँ से स्मार्टफोन का ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे ऑफ पे है अभी। और जैसे आप DSLR या फिर किसी भी कैमरे से कर रहे हो तो आपको ऊपर के स्लॉट कर देना है। तो आपको ये फ़ायदा होगा इससे, जैसे आपकी जो फोन स्मार्टफोन से आप कर रहे हो तो आपको ये जो बैटरी है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये बैटरी है वो आपकी यूज़ नहीं होगी, आप जब स्मार्टफोन से यूज़ करोगे। ठीक है, और जब आप जब DSLR और कैमरे से यूज़ करोगे तो आपकी ये बैटरी यूज़ होगी। तो आपको ये स्लॉट ऊपर कर देना है, ये स्लॉट ऊपर कर देना है, तो आपकी ये वीडियो उस माइक से स्टार्ट होगी। तो इसके साथ मुझे एक पॉप फिल्टर मिला था, जो ये बहुत स्पंजी और सॉफ्ट है, और ये हमारी बैकग्राउंड नॉइस को बहुत ही कम कर देता है। जैसे अब मैं आपको एक ट्यूटोरियल देता हूँ, अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें आपको मैं ट्यूटोरियल देता हूँ कि जैसे अभी मैं इससे अभी जो मैं अपने बात कर रहा हूँ वो मेरे इनबिल्ट कैमरा में है, निकॉन D5600। ठीक है, तो अब मैं इससे बात करूंगा तो आपको मैं इससे बताऊंगा कि इसमें क्या फ़र्क है और क्या नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ एक क्लिप आई है, तो ये ऐसे लग जाएगी इस क्लिप में, ऐसे तो आपकी ऐसे फिट हो जाएगी है। और इसके साथ हमारे कुछ बुकलेट आई है, जो आप इससे पढ़ के आप इसमें इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, तो आप इसको पढ़ सकते हो कि आपका ये माइक्रोफोन कैसे यूज़ होगा और कैसे नहीं। तो इसमें सारी चीज़ बताई गई है, इंट्रोडक्शन से लेके आपको हर कंटेंट के बारे में बताया हुआ है, आप किसे यूज़ कर सकते हो इसको और कैसे। तो दोस्तों, अब मैं जो अपने D5600 निकोन के कैमरे से अभी शूट कर रहा हूँ, जो मेरी आवाज़ आ रही है आप उसमें अंतर देख सकते हैं। और अब मैं बोया PY M1 का आपको वो देता हूँ, शूट देता हूँ, और आप उसमें मेरे को कमेंट में आप बताना कि ये वॉइस कैसी है और कैसी आ रही है और मेरे साउंड अच्छी लग रही है या नहीं। तो दोस्तों, अब आप देख रहे हो जो मेरी वॉइस क्वालिटी है वो अपने आप ही इंक्रीज हो चुकी है। वो है मेरी जो मैं शूट कर रहा हूँ वो अपने DSLR से कर रहा हूँ, जो DSLR में मैंने अपना बोया PY M1 लगा दिया है। तो इसकी आप साउंड क्वालिटी अपने आप ही पहचान सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा आपको हाई क्वालिटी मिल रही होगी एज कम्पेयर टू योर फोन एंड DSLR इनबिल्ट माइक।
तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, और आप मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए तो मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और वीडियोस लाता रहूँगा। जय हिंद।